हेलो फ्रेंड अगर सुबह के नाश्ते से दिल उब चुका हो तो चलिए हल्का फुल्का और चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा एक मिक्सिंग बाउल में आधी कटोरी दही ले लिए हैं एक हरी मिर्च कट करके एक प्याज बारीक कट करके एक टमाटर बारीक कट करके और एक गाजर भी बारीक कट करके आप यहाँ पे जो भी सब्जी खाना पसंद करें वो ले सकते हैं और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आधी कटोरी सूजी सूजी को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये बहुत ही हेल्दी और चटपटा सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और जितना सूजी लिए हैं उतना ही पानी ऐड कर लेंगे इसमें ये बहुत ही चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होगा ये बच्चों को लंच में या सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में भी आप इस नाश्ते को बनाकर दे सकते हैं ये कुछ मिनटों में नाश्ता ये बनकर तैयार हो जाएगा आधी चम्मच गरम मसाला आधी चम्मच सब्जी मसाला एक चम्मच नमक नमक अपने स्वाद के अनुसार और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब इसे ढककर एक दो मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे और इधर गैस पर एक पेन ले लिए हैं पेन में एक दो चम्मच तेल डालकर पेन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ये कम तेल में बना बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और एक चम्मच राई एक चम्मच तिल और तीन चार कड़ी पत्ता डालकर तड़का लगा लेंगे और सारे बैटर को डालकर अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसे ढककर कर पाँच मिनट तक पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप देख रहे हैं नाश्ता मेरा कितना अच्छा सिक्कर तैयार हुआ है ऊपर से भी नाश्ते में कितना अच्छा कलर आया है अब इसमें एक दो चम्मच तेल डालकर आप इस नाश्ते को पलटकर पका लीजिए या आप तेल खाना ना पसंद करें तो बिना तेल के भी इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार होगा अब इसे पलटकर दूसरी साइड भी सेक लेंगे आप देख रहे हैं नाश्ते में कितना अच्छा कलर आया है इस साइड भी सीख कर तैयार हो गया है अब इसे हाथों से चारों तरफ घुमाकर अच्छी तरह से सेक लेंगे अच्छी तरह से दबा दबा कर इसे आप एक दो मिनट तक सेक लीजिए एक दो मिनट बाद आप देख रहे हैं नाश्ते में कितना अच्छा कलर आया है दोनों साइड से नाश्ता मेरा सीख कर तैयार हुआ है क्रिस्प और टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया है इस नाश्ते को आप चटनी या सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसे बच्चों को लंच में या हल्की फुल्की भूख में भी इस नाश्ते को फटाफट आप बनाकर दे सकते हैं यह बहुत ही आसान तरीके से बना ये नाश्ता है और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता है और इस सूजी और सब्जियों का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी और हेल्दी बनकर तैयार हुआ है अब इस नाश्ते को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं अच्छी तरह से नाश्ता मेरा सीख कर तैयार हो गया है अब इसे चाकू की हेल्प से कट लगा लेंगे एक नाश्ता ही एक सदस्य के लिए पर्याप्त है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है आप देख रहे हैं कितना हल्का फुल्का और सब्जियों वाला नाश्ता बनकर तैयार है और सारे नाश्ते को इसी तरह से कट लगाकर सर्व करेंगे चटनी या सॉस के साथ रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा धन्यवाद वाच माई वीडियो मिलते हैं नए दिन नई रेसिपी के साथ आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है एक मैं हाथ में, में लेकर दिखा रही हूँ कितना अच्छा सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सीकर तैयार हुआ है वॉच माई वीडियो